रहता हूँ आपको, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने तो अपने आप को स्पोर्ट में रखा ही है। बाकी ये बच्चे लोग भी काम बड़े ध्यान से कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का रंगला पंजाब और आज का मौसम, आज का सावन महीने का बड़ा अद्भुत नज़ारा। इस अद्भुत नज़ारे के बीच ही हम लोग ने आज का अभियान जो है, जो सफाई अभियान होता है, तो हमने आज पानी की टैंकी साफ करने का अभियान चालू किया था, क्योंकि ये सावन के महीने में बिल्कुल लाल पानी, कलरदार पानी आना जो है सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। और इसके चलते हमने आज यही प्रोग्राम लाया था कि आज संडे को देखकर हम इस पानी की टैंकी को साफ़ करेंगे। और सारे अपने जितनी भी टीम मेंबर है सारे आज छुट्टी पे थे, इसलिए दो लड़कों को साथ लगाकर ये टैंकी का काम किया जा रहा है। और करते 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 अभी ये देखने को आ रहा है कि मौसम ने पलटी मार ली है, मौसम एकदम दोबारा से रंगदार मौसम बन गया, हरा भरा मौसम, हरियाली आ गई है और बारिश का मौसम भी दिखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ ही क्षणों में बारिश आ सकती है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे लोग, इन्होंने पूरी लगन के साथ ये अपने काम में जुटे हुए हैं और ये अपने कामयाबी जरूर पाएंगे। और तकरीबन हमारे यहाँ की सफाई जो है हो चुकी है। तो जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं जलंधर पंजाब से कुलदीप कुमार भक्ति गीत के चैनल की ओर से ये दिखाया जा रहा अद्भुत नज़ारा और रंगीन रंगला पंजाब दिखाया जा रहा है। जो आपको ये पीछे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, सारे हमारे चिल्लर के टैंक हैं। इन्हीं चिल्लर के टैंकों में पानी भरने से ही पूरी बिल्डिंग को चिल किया जाता है। और पीछे आपको इतना बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखने को मिल रहा होगा, बहुत बड़ा टावर है जिसकी वजह से ये रेंज लोगों तक पहुँचती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हवा में कैसे हम लोग इतनी हाइट पे खड़े हैं। हम 1000 मीटर की हाइट पे खड़े हैं, 1000 मीटर की हाइट पे खड़े होकर ये आपको अद्भुत नज़ारा बिल्डिंग के ऊपर से दिखाया जा रहा है और आपको पंजाब का मौसम भी दिखाया जा रहा है। आज का मौसम बिल्कुल एकदम एक क्लास मौसम है, ये आज ही नहीं वरना ये 3 महीने से पंजाब का ऐसा मौसम कभी शायद ही देखा होगा किसी ने। बिल्कुल अच्छा मौसम और लहराती हुई जिंदगियां और लहराते हुए हमारे पंजाब के शहर गांव बिल्कुल टनाटन चल रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का अद्भुत नज़ारा। और रही बात टैंकी साफ की, तो टैंकी हमारे महावीर ने बिल्कुल साफ कर दी है। और देखो आप लोगों को टैंकी ड्राई भी मिल रही होगी, एकदम ड्राई हो चुकी है। और इसमें काट के देखो कैन बाल्टियाँ सब और कपड़े, इसने बिल्कुल टैंकी के बीच घुसकर अपना बहुत अच्छा काम दिखाया है। और इसमें ब्लीचिंग पाउडर और इसमें दूसरा पाउडर, निर्मा पाउडर, एक्सेल पाउडर और साथ साथ में इसमें किचन डस्टर, फ्लोर डस्टर वगैरह यूज़ किए गए हैं, क्योंकि इसके बीच का पानी सुखाना और इसको स्क्रब करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हो एक हमारा ये जोधा जो है वो टैंकी के बीच टैंकी को साफ करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप भी हमेशा ध्यान रखिए, बरसात का मौसम है और आप लोगों को अपने घर की टैंकियाँ भी वैसे ही साफ करनी है जैसे कि हम लोग अपने ऑफिस की टैंकी साफ कर रहे हैं। तो इसलिए आपके आगे ये अनुरोध किया जाता है कि आप सारे लोग बड़े ही ध्यान से अपने कार्य में कामयाब रहें और साफ़ पानी पिएं, यही हमारा लक्ष्य है। और यही इस बात को आप तक पहुंचाना हमारा यही लक्ष्य था कि सावन का महीना और मोस्टली बरसात में ये सब होता ही रहता है। तो आप बरसात के मौसम में हमेशा पानी जो आता है मिट्टी वाला पानी आता है, तो इस पानी से बचने के लिए आप लोगों को हमेशा अपनी टैंकियों को नीट एंड क्लीन बनाने का काम आप लोगों को खुद करना है, आपने एक जिम्मेदार करना है। और देखो कैसे पानी को निकाला जा रहा है और कैसे ये सामान सारा टैंकी से निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं लड़का बड़ा मेहनत के साथ नीचे खड़ा है और नीचे अपने काम में कार्य में बिल्कुल
जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आप देख सकते हैं कैसे सफाई की